हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है कि 25 डेट को इंडिया में सबसे पहला 5G स्मार्टफोन किस कंपनी का लॉन्च होने जा रहा था, और उससे पहले कुछ अद्भुत कर दिया है रियलमी ने। दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया में सबसे पहले मोबाइल लॉन्च हो रहा था उसका नाम था IQ, जो कि वीवो का सब ब्रांड था चाइना में, और यहाँ इंडिया में अपना फर्स्ट 5G मोबाइल लॉन्च कर रहा था। उससे पहले कुछ हो गया अद्भुत, यहाँ पर रियलमी ने अपना मोबाइल लॉन्च कर दिया है सबसे पहले 24 तारीख को, रियलमी का X50 प्रो। दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि रियलमी ने अपना एक और खिताब हासिल किया है इंडिया में फर्स्ट 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने में। और यहाँ पर अगर इसके फीचर की बात की जाए तो सारे सेम फीचर हैं, और इसकी प्राइस भी एक हाई कॉस्ट प्राइस है, 37,000 के करीब में आपको मिल जाएगा। ये 37,000, 38,000 और 39,000 और 45,000 के रेंज में इसके प्राइस रखे गए हैं। दोस्तों, इसमें वेरिएंट बहुत हार्ड हार्ड है। इसमें स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन, इसकी कीमत रखी गई है 37,999 रुपये, और इसे आप फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगर वेरियंट की बात की जाए तो रेड कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें रियल में 12 मेगापिक्सल का कैमरा और टेरी फोटो कैमरा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है। मैक्रो कैमरा भी सपोर्ट है। और सेल्फी की अगर बात की जाए तो अच्छे फीचर हैं इसमें सेल्फी के लिए। 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में दिया गया है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है, बट इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये सभी के लिए नहीं है। अभी इसकी प्राइस हाई पे है। अभी हम देखते हैं कि और कौन से 5G मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं और कम कीमत में, जो कि आम आदमी के लिए 20,000 के अंडर में कब लॉन्च होगा और कब नया वेरिएंट आएगा। तो आगे ऐसे ही आपको वीडियो हम देते रहेंगे, जब कोई न्यूज़ आएगी या कंपनी की तरफ से लॉन्च होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर आपको एक खास बात बताएं तो अभी इंडिया में 5G नेटवर्क भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो हम देखते हैं कौन अपना सबसे पहले 5G नेटवर्क निकालता है, क्योंकि मोबाइल में 5G नेटवर्क तो अभी सपोर्ट ही नहीं है। और ये अदर कंट्री में अवेलेबल है, बट हमारे अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं कौन अपना सुपर फास्ट इंटरनेट लॉन्च करता है, और तब तक मोबाइल भी लॉन्च होते रहेंगे 5G, और कम कीमत में सभी के लिए लॉन्च होते रहेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।